बिहार की अपनी एक भव्य संस्कृति और शानदार इतिहास है। इस प्रदेश में कई बड़े धार्मिक मान्यताओं वाले मंदिर, मठ और धर्म स्थान मौजूद है, जो भक्तों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। आज हम आपको बताएंगे बिहार में माता के एक ऐसे धाम के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ नवरात्रि के समय में महिलाओं को मंदिर में जाने से मनाही है। इस मंदिर में महिलाएं 9 दिन तक कदम नहीं रखती है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। दरअसल नालंदा में एक ऐसा मंदिर है जहां नवरात्रि के समय 9 दिनों तक महिलाओं के प्रवेश पर रोक होती है। इस मंदिर का इतिहास करीब 350 साल पुराना है। जिले के घोसरावा गांव में मां आशापुरी मंदिर में नवरात्र के दौरान तांत्रिक आकर यहां सिद्धि पूजा करते हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रवेश होने पर तांत्रिक का ध्यान भंग हो सकता है। इस मंदिर में नवरात्र के समय 10 दिनों तक तांत्रिक पूजा होती है। ये परंपरा सदियों तक चली आ रही है। नवरात्र के समय कोई महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके लिए यहाँ के पुजारी और गांव वाले पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 350 साल पहले यहाँ पर माता की प्रतिमा अचानक प्रकट हुई थी। जब इस बात की जानकारी यहाँ के राजा घोष को मिली तो उन्होंने इसी स्थान पर माता का मंदिर निर्माण कराया। राजा के द्वारा कराया गया मंदिर निर्माण के कारण इसका नाम घोसड़ावा गांव पड़ गया। मंदिर के निर्माण के बाद लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। राजा घोष 3 भाई थे, जिसके नाम पर घोसड़ावा, दूसरा बड़गांव और तीसरा तेतड़ावा नाम पड़ा था। हालांकि आए दिन यहां पर पूजा के लिए किसी पर पाबंदी नहीं है, लेकिन नवरात्र में यहां पर महिलाओं के लिए 9 दिन तक प्रवेश वर्जित रहता है। ग्रामीणों की माने तो 10 दिन तक होने वाली पूजा का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्र के दौरान दूर दूर से तांत्रिक आकर यहाँ पर सिद्धि करते हैं। उनका ध्यान भंग ना हो इसलिए ऐसा किया गया है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि माँ आशापुरी के आशीर्वाद से घोसरावा, पावापुरी और आसपास के सभी गांव के लोगों के बीच कोई भी संकट आने से पहले ही टल जाता है। माँ की महिमा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जब भी गांव और आसपास के इलाकों में किसी तरह का संकट आता है तो माता के नाम मात्र से उसका संकट टल जाता है। यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि नवरात्रि में घोसरावा मंदिर में बिहार के अलावे भी कोलकाता, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, झारखंड समेत अन्य जगहों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और 10 दिनों तक मंदिर में एकाग्रचित होकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में इस मंदिर में नवरात्र समय अलग ही नजारा देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए इतना है। डेस्क से खुशबू की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।